He is the tallest mass leader that India has seen in many decades. Prime Minister Narendra Modi is today in Pataliputra. And in this epic battle, he has decided to give us time amidst his busy schedule. Pradhan Mantri ji, NDTV के दर्शकों के लिए बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे 6 चैनल के जो व्यूअर्स हैं वो अभी आपको देख रहे हैं. आपने देश भर में कार्यक्रम किया, पटना की वाइब्स क्या कुछ अलग है? हिंदुस्तान के करीब करीब सभी राज्यों में मेरा जाना हुआ और मैं कह सकता हूँ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 400 पार कराने का दृढ़ संकल्प है. बिहार ने भी उसमें कई नए रंग भरे हैं, बिहार ने उसमें एक नई ताकत दी और इस प्रकार से ये अपने आप में पूरे देश का जो माहौल है वही माहौल बिहार का है. प्रधानमंत्री जी, बहुत सारे आंकलन लगाए जा रहे हैं कि जो ईस्ट इंडिया है वहाँ पे बीजेपी का अपस्विंग है. आप बंगाल की बात कर लें या फिर उड़ीसा की, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी, तो आपका क्या असेसमेंट है? एक तो राजनीति के अलावा अगर मैं कहूँ तो शायद मेरा 2013 का भाषण है और तब मैं पीएम कैंडिडेट भी नहीं था कि भारत का विकास करना है तो हमें पूर्वी भारत को विकसित करना चाहिए, पूर्वी भारत को ग्रोथ इंजन बनाना चाहिए. पिछले 10 साल में मैंने लगातार हिंदुस्तान के पूर्वी भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, ऐसे हर प्रोजेक्ट पर बल दिया है. इस चुनाव का जहां तक सवाल है, जबरदस्त आंधी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब दूर है. पूर्व में इस बार परिणाम ज्यादा मिलेंगे पहले की तुलना में और मैं मानता हूं देश के लोगों के लिए ये चौंकाने वाले. जैसे तेलंगाना, आप कल्पना नहीं कर सकते वैसा परिणाम तेलंगाना में मिलेगा, वैसा आंध्र में मिलेगा, वैसा उड़ीसा में मिलेगा, वैसा बंगाल में मिलेगा, पूर्वी भारत में मिलेगा, बिहार हो, झारखंड हो, आसाम हो. यानी एक प्रकार से मैं देख सकता हूँ कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास जो है उसमें कई नए एरिया अधिक प्लस करेंगे. ये कैचमेंट एरियाज की आप बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, बिहार का आंकलन करिए, क्या लग रहा है बिहार में क्या होगा? बिहार में हमारे साथियों से मेरी बात हुई, पहले हमारी एक सीट हम हारे थे, शायद इस बार हम एक भी नहीं हारेंगे. अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वो चरखा समिति के पास है हम. आप बताइए, जब आप आते हैं बिहार तो आपको क्या क्या ख्याल आता है? वैसे मैं संगठन के काम के लिए यहाँ बहुत आया हूँ, अनेक क्षेत्रों में मैं गया हूँ, अनेक क्षेत्रों में गया हूँ और मैं काफी पुरानी चीजों से जुड़ा हुआ रहा हूँ यहाँ. आप इस चुनाव को रेफरेंडम के तौर पे देखते हैं या गवर्नेंस मॉडल की लड़ाई देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने देश को एक गवर्नेंस का मॉडल दिया है. देश ने कांग्रेस का मॉडल देखा है, देश ने लेफ्ट का मॉडल देखा है, देश ने मिली जुली सरकारों का मॉडल देखा है और देश ने पूर्ण बहुमत वाले भाजपा एनडीए का मॉडल देखा है और वह गतिशील सरकार देखी है, निर्णायक सरकार देखी है, रिस्क लेने वाली सरकार देखी है और उसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं. प्रधानमंत्री जी, महिलाओं की संख्या वहां पर बहुत है, महिला वोटर, आपने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई अपने लिए क्योंकि जो जो आपने किया, इज्जत घर दिया, उज्ज्वला योजना, बहुत सारे राज्य में भी महिला सेंट्रिक स्कीम है, तो आपको लगता है वो महिला वोटर आपके साथ है? एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, ये मेरा कमिटमेंट है और मैंने G20 समिट में लीड लिया है विमेन लेड डेवलपमेंट और इसके लिए हमें महिलाओं को अवसर देना चाहिए. परंपरागत हमारी जो चीजों में महिलाओं को जोड़ते हैं उससे ऊपर उठना चाहिए. जैसे हमने गांव में ड्रोन दीदी बनाई, जैसे हमने आर्मी के दरवाजे खोल दिए, जैसे हमने एयरफोर्स में पायलट बनाए, हमने सीमा पर हमारी बेटियों को भेजा, सियाचिन में हमारी बेटियां जाकर के देश की रक्षा कर रही है, तो मैं एक साइकोलॉजिकल चेंज में सफल हुआ हूँ और देश की विकास यात्रा में महिलाओं की शक्ति
एक अतिरिक्त शक्ति बनेगी और वो परिणाम को गति देगी। और आज का दिन बहुत खास भी है, मदर्स डे है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।